गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब कि एक्सपोनेंट के क्या क्या रूल्स हैं। जैसे कि हम ए जो ए की पावर एन, जो ए हमारा बेस है, जो एन है वो हमारा एक्सपोनेंट है और पावर है, ठीक है। जैसे कि हमें टू दे रखा है, टू की पावर क्या दे रखी है, थ्री। ये जो हमारा टू है वो क्या है, हमारा बेस है, और जो थ्री है ये हमारा एक्सपोनेंट है, या हम इसको पावर भी बोल सकते हैं। जैसे टू इज़ द बेस एंड थ्री इज़ द एक्सपोनेंट। आगे उसके आगे रूल, द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। उसके आगे रूल, कितने रूल हैं इसके, हमारे आठ रूल है। फर्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। जैसे कि ए की पावर एम और इंटू ए की पावर एन, जैसे हमें ये प्रोडक्ट दे रखा है, ए की पावर एम और ए की पावर एन हमें प्रोडक्ट दे रखा है। जब भी हमें कोई पावर प्रोडक्ट में दे रखी है तो उसको क्या कर देते हैं हम, ऐड। जैसे एम एन क्या हो गया, ऐड हो गया, एम प्लस एन। जैसे कि एक्स की पावर थ्री और प्रोडक्ट दे रखे हमें एक्स की पावर फाइव, ये क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये हमें प्रोडक्ट में दे रखी है इनकी पावर, ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक्स की पावर थ्री प्लस फाइव, और क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एट। नेक्स्ट हमारा आ गया डिवीज़न रूल, जहाँ उसको हम क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। जैसे ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, जब भी हमें डिवीज़न रूल में दिया हो तो क्या हो जाती है, हमारी जो हमें पावर्स दी होती है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ए की पावर एम माइनस एन, ये क्या एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। जैसे कि थ्री की पावर फाइव डिवाइड बाय थ्री की पावर टू, ये क्या हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे थ्री फाइव माइनस टू, ये आ गया थ्री की पावर थ्री। आगे हमारा आ गया नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, जैसे ए की पावर हमें माइनस एम दे रखी है, उसको हम क्या लिखते हैं, वन डिवाइड बाई ए की पावर एम, जो जो माइनस एम है वो नीचे जाकर क्या हो जाता है, प्लस का, क्या हो गया, प्लस का, ठीक है। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखी है एक्स की पावर माइनस थ्री, उसको हम कैसे ले सकते हैं, वन डिवाइड बाई एक्स की पावर थ्री। नेक्स्ट हमारा आ गया द जीरो जीरो रूल। जीरो रूल मतलब ए की पावर जीरो, उसको क्या हम लिख सकते हैं, वन। कोई भी हमें पावर दे रखी हो, जीरो दे रखी हो, जैसे फोर की पावर जीरो दे रखी हो, जैसे फाइव की पावर जीरो दे रखी हो, उसका क्या होते हैं, हमेशा क्या आता है, वन आता है। आगे हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पावर दे रखी हो, जैसे ए बी, और उसकी पावर क्या दे रखी है हमें, एन। इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको क्या हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि ए की पावर एन और बी की पावर एन, इनको हम क्या करते हैं कि अलग अलग, ए की पावर एन और बी की पावर एन। एग्जाम्पल देखो, जैसे थ्री इंटू फोर और उसकी पावर क्या दे रखी है हमें, टू, तो हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, थ्री की पावर टू और फोर की पावर टू, मतलब थ्री की पावर स्क्वेयर और फोर के भी स्क्वेयर हो गया। जब थ्री का स्क्वेयर करेंगे नाइन आ जाएगा, फोर का स्क्वेयर करेंगे सिक्सटीन आ जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट हमें एक्स की पावर एक्स और फाइव, एक्स और वाई हमें दे रखा है प्रोडक्ट में, और उसकी पावर हमें क्या दे रखी है, थ्री। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे एक्स की पावर थ्री और वाई की पावर थ्री, ठीक है। आगे आ गया पावर टू आ पावर, जैसे ए की पावर एम और उसकी पावर क्या दे रखी है हमें, फिर एन। जब भी ऐसे दे रखी हो पावर टू आ पावर, तो इसको क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट कर देते हैं, एम और एन का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। जैसे कि ये दे रखे हमें टू, टू की पावर टू और उसकी पावर क्या दे रखी है, थ्री, पावर टू आ पावर, इसको क्या कर देंगे, इनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने से क्या आ जाएगा, थ्री इंटू टू क्या आ जाएगा, सिक्स, और टू की पावर क्या आ जाएगी, सिक्स, और इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व, 64। आगे आ गया पावर ऑफ अ कॉन्स्टेंट। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ए के ए डिवाइड बाई बी और उसको ब्रैकेट और उसकी पावर क्या दे रखी है, एन। इसको क्या हम अलग अलग करके से लिख सकेंगे, ए की पावर एन और बी की पावर एन। जैसे कि एक्स बाई फाइव ब्रैकेट क्लोज और उसमें क्या दे रखा है, फाइव ब्रैक, इसका क्या लिखेंगे, एक्स की पावर फाइव और डिवाइड बाई वाई की पावर फाइव। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट भी ऐसे करेंगे, ए की पावर क्या दे रखी है हमें, एक्स बाई वाई, वाई हम ऐसे करेंगे अंडर रूट ए की पावर एक्स। नेक्स्ट हमारा आ गया थ्योरम। थ्योरम हमें दे रखी है, इफ़ एन इज़ एनी नेचुरल नंबर देन प्रूफ दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए दे रखी है हमें। लिमिट क्या दे रखी है हमें,
एक्स टेंस टू ए दे रखी है, और उसे हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। लिमिट हमें दे रखी है एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू, उसके क्या प्रूफ करना है, एन ए की पावर एन माइनस वन। ये हमें प्रूफ करना है एन ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन ए की पावर एन माइनस वन के हमें प्रूफ करना है। तो चलो आगे का करते हैं हम, जैसे कि लिमिट दे रखी है हमें एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड एक्स माइनस ए। तो फर्स्ट हम ये करेंगे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो क्या करेंगे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन को लिख लेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। आपको कल पीडीएफ में भी दे रखे हैं इसके सारे फॉर्मूलास वगैरह है उसमें, तो देख लेना। तो ये हैगा एक्स माइनस ए बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया, एक्स एन की पावर माइनस वन और ए की पावर जीरो प्लस एक्स एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू और ए की पावर वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री और ए की पावर टू प्लस एक्स की पावर एन माइनस फोर और ए की पावर थ्री। ये कैसे आते हैं, ये क्या होते हैं, जो एक्स होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, जो ए वाले होते हैं वो क्या इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे एक्स की पावर हमें एन माइनस वन दी है, फर्दर जो डिक्रीज होगा तो इसमें हम माइनस वन करेंगे, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, तो ये डिक्रीज होते जाएंगे। और जो ए है, जैसे यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे टू हो गया, ऐसे फर्दर आगे चलता जाएगा। फिर आगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए, ये हमने जो सॉल्व किया था एक्स माइनस ए और माइनस ए की पावर एन, वैसे का वैसे सारा लिख लिया, और नीचे क्या हमने लिखा एक्स माइनस ए, तो ये हमने नीचे लिख लिया एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, जो बचा हमने वो लिख लिया। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस वन ए जीरो प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू ए वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए टू, ये वही हमने सब लिख लिया, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ हम एक्स टेंस टू ए दे रखा है, जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या लिख दिया ए, सभी में हमने यही कहा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दिया ए, जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या लिख दिया ए। अब क्या था, जब भी हमें ये हम वैसे का वैसे आ गया ए एन माइनस वन, ये वैसे ही आ गया। आगे मैंने आपको रूल्स पढ़ा रखे हैं अभी, ये हमने कि जैसे ये क्या है, प्रोडक्ट में है, ये एन माइनस वन है, एन माइनस टू सॉरी एन माइनस टू है, और यहाँ क्या है वन। जब भी हमें हमें दिया हो तो ये क्या हो जाती है ऐड, जब भी हम इसमें ये यहाँ वन है कंसिडर करके चलो कि यहाँ क्या वन है, जब भी यहाँ वन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी हम ऐड करेंगे तो यहाँ वन है, तो जब हम यहाँ वन लिखेंगे माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, ऐसे ही ये आ जाएगा। ए की पावर एन माइनस थ्री दे रखी हो, ए की पावर टू रखी है, जब इसको हम ऐड करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, एन माइनस थ्री और प्लस टू, जब इसको ऐड करेंगे माइनस थ्री और प्लस टू क्या रह जाएगा, एन माइनस वन, और ये आ गया ए एन की पा ए की पावर एन माइनस वन। फर्दर ये सारे क्या आ जाएंगे, ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन की पावर एन माइनस वन, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए हमें प्रूफ करना था, ये कितने टाइम आएंगे, एन टाइम्स, कितनी बार बार आएंगे हमारा, जब भी हम करते हैं तो कितने बार कंसिडर करते हैं कि ये चलते जाते हैं एन टर्म्स तक, तो क्या एन ए की पावर एन माइनस वन, यही हमने प्रूफ करना था, एन ए की पावर एन माइनस वन, और ये प्रूफ हो गया। आगे आ गया लिमिट ऑफ द फॉर्म एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जब भी हमें एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, टू एवेल्युएट लिमिट्स ऑफ द ऑफ दिस फॉर्म डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाइजेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन एंड एवेल्युएट द लिमिट। जब भी हमें एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी होगी या इंटरटेनमेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दे रखी होगी, तो हमें कैसे सॉल्व करते हैं, हाई एक्सप्रेशन से उसका क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर जो हमें दे रखी होती है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, हम उसका डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमें यहाँ दे रखी है, देखो
लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी है, तो इन्होंने बोला जब हमें एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, ये देखो, डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर। जो हमें हाईएस्ट पावर दे रखी है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जहाँ हमें हाईएस्ट क्या दे रखी है पावर, एक्स की पावर क्या दे रखी है, 3। ये तो एक्स की पावर 1 दे रखी है, हाईएस्ट हमारी क्या है, एक्स की पावर 3। जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर हमें क्या दे रखी है, हाईएस्ट। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 3 प्लस ये वैसे का वैसे सारा लिख लेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, डिवाइड करेंगे वही जो हमारी हाईएस्ट पावर दे रखी है एक्स की पावर 3। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वैसे कर लेंगे, तो क्या करेंगे इसको भी, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 प्लस 3x, इसको भी डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स की पावर 3 प्लस 1, इसको भी डिवाइड कैसे कर देंगे, एक्स की पावर 3। फिर डिवाइड जो नीचे है उसको भी कैसे करेंगे, 3 3x की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड एक्स की पावर 3। सब क्यों डिवाइड किया, जो ये एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 3 कैंसिल हो गए, 1 आ गए, यहाँ एक एक्स कैंसिल हो गया तो ये आ गया एक्स, और यहाँ क्या रह गया, स्केयर रह गया, तो ये आ गया 3 डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये वैसे का या वैसे आ गया। फिर डिवाइड इसको करेंगे, जे और ये कैंसिल हो गए, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 3 कैंसिल होगी तो 3 आ गया प्लस 1, ये वैसे का वैसे आ गया 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। जब हम इसको सॉल्व किया तो ये 1 आ गया, जो एक्स है ये जे है इसको क्या करते हैं, जे हमारा 0 आ जाएगा और जे भी 0 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, 1/3। कैसे ये बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, 0/0 हमारा इंडिटर्मिनेट होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हमारा इंडिटर्मिनेट होता है, और 1/∞ हमारा क्या होता है, 0 होता है। यही है कि हमें एक्स टेंड्स टू क्या दे रखी है, इन्फिनिटी। जब भी हम लिखेंगे 3/∞ तो वो क्या हो जाती है हमारी, 0। ये देखो हमें दे रखे है ना, 1/∞ हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो ऐसे करके ये हमारा 1/3 आ गया। आगे फर्दर वही है, ये इंडिटर्मिनेट है, और ये भी -∞ -∞ क्या, इंडिटर्मिनेट है। ठीक है राजे।